मॉर्निंग टू ऑल MIM स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में जैसे कि मैंने बोला था भाई कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट विंडोज यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन, तो हमें एक एक शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कल मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था इंटरनेट के बारे में, आज मैं आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहूँगा विंडो, कि भाई बेसिकली विंडो है क्या। ओके, तो देखिए विंडो क्या है कि हर कंप्यूटर सिस्टम पे हम कार्य करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या होता है, एक तो यूजर रहता है, दूसरा होता है हार्डवेयर होता है, और उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि मैं एक इंसान की बात करूं, है ना, हम एक इंसान की बात करें तो हमारा जो पूरा बॉडी है, दो पैर, दो हाथ, हमारा मुंह, है ना, ये दिस इज हार्डवेयर। तो जो फिजिकल कंपोनेंट होता है दैट इज दी हार्डवेयर। और हमारा जो ब्रेन है ना, जैसे मुझे पानी पीना है तो भाई वो थॉट कहाँ क्रिएट होता है, मेरे माइंड में आता है। ओके, तो वो माइंड सोचता है और वो माइंड ही ऑर्डर करता है किसको, मेरे पैरों को, कि चलो भाई पैर आप चल करके किचन तक जाओ। और फिर वही ब्रेन मेरे हाथों को कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप आगे बढ़ाओ, पानी निकालो और उसको मुंह तक ले जाके पियो। तो भाई जो ब्रेन है हमारा, जो हमें सोचने समझने की जो शक्ति दे रहा है, जो कमांड दे रहा है, वहां जो चीज है ब्रेन में जो हमें सोचने की क्षमता देता है, हमें किसी कार्य को करने के लिए कमांड देता है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हमारा बॉडी हो गया हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट, और जो लॉजिकल कंपोनेंट होता है, लॉजिकल कंपोनेंट होता है, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो उसी तरीके से अब कंप्यूटर में आते हैं हम लोग। तो भाई कंप्यूटर में जो आप मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू एक्सेट्रा, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट हैं, तो ये हार्डवेयर है। और इनको चलाने के लिए जो जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर। तो भाई विंडो क्या है, है ना, अगला हम लोग देखते हैं विंडो क्या है। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो क्या है, देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की एक कंपनी है जो हार्डवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। तो ये विंडो क्या है, उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। Microsoft introduced an operating system environment named Windows on November 20th, 1985 as a graphical operating system. बोलने का मीनिंग यही है सिंपल सा कि भैया, है ना, कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। कब किया, 20 नवंबर 1985 को, एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर। देखो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में ना DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। मतलब ये DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब बता देता हूँ, आज के डेट में जैसे हम लोग, है ना भाई, आज के डेट में अगर मैं कंप्यूटर, ये देख लो, ये पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहलाता है, है ना, ये माई कंप्यूटर है, इस सिंबल को देख करके मैं जान ले रहा हूँ ये माई कंप्यूटर, ये ब्राउजर्स हैं, ये फोल्डर्स हैं, है ना, ये पीछे में बैकग्राउंड बढ़िया अट्रैक्टिव सा लग रहा है, ये टास्क बार है, ये इंटरनेट के लिए कनेक्शन, ये साउंड के लिए कनेक्शन है। तो भाई हर चीज ग्राफिकली देख करके हम बता सकते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। बट पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे वो बिल्कुल ऐसा कुछ होता था, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। इसका अर्थ मुझे कोई माई कंप्यूटर का सिंबल नहीं दिखने वाला था, ये कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं। बट जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे 1985 में, 20 नवंबर 1985 में बनाया गया, वो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसका अर्थ है यूजर को देखने के लिए सामने जो स्क्रीन रहेगा उसमें ग्राफिकल एलिमेंट रहेंगे, लाइक फोल्डर, फाइल्स, आपका बैकग्राउंड्स रहेंगे, मेनूज रहेंगे, मेनूज में ऑप्शंस रहेंगे, तो ग्राफिकली हर चीज दिखता है हमको। तो विंडो क्या है भाई, सिंपली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया। अब भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो पहले जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच गाइड्स एनी हार्डवेयर व्हाट टू डू। मतलब
सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी हार्डवेयर को क्या करना है यह बताता है। आई बात समझ में? अब ये प्रोग्रामों का समूह मतलब क्या होता है? कोई हम प्रोग्राम की बात करें तो निर्देशों के समूह को बोलते हैं प्रोग्राम, है ना, निर्देशों के समूह को बोलते हैं प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर एमएस वर्ड खोलें, हम तो देखिए भाई यहां पर ढेर ऑप्शंस हैं। अगर मैं ये बोल्ड करूं, कुछ चीज मैं ऐसे लिख देता हूं, लिखने के बाद सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूं, तो बोल्ड, इसको बोल्ड बनाने के लिए एक प्रोग्राम होगा, निर्देशों का समूह होगा जो कंप्यूटर को बोलता है कि भैया सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप क्या करो, बोल्ड बनाओ। अगर मैं इसको वो करूं तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया होगा, कोडिंग किया गया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा कि सेलेक्टेड फॉन्ट की साइज को एनहेंस करो, इंक्रीज करो, इसके लिए अलग प्रोग्राम होगा, है ना। इसी चीज को मैं कुछ और सेटिंग करूं, मार्जिन सेट करूं, लैंडस्केप पेज लेआउट, तो हर चीजों के लिए निर्देशों का समूह होगा, प्रोग्राम होगा, है ना। तो देख लीजिए, वाटर मार्क करूंगा तो उसके लिए और छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया होगा, पेज कलर डालूंगा मैं उसके लिए और अलग प्रोग्राम। तो ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या कार्य करना है। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर का परिभाषा। सॉफ्टवेयर दो टाइप का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर के बेसिक ऑपरेशन को करने के लिए या कराने के लिए वो एकदम ही एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, मस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमको ये डेस्कटॉप नहीं मिलने वाला है, ये फोल्डर्स नहीं दिखने वाले हैं, तो हम काम कैसे करेंगे? तो सबसे प्राइमरी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हमें जरूरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके बिना ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलने वाला है। सिंपल सी परिभाषा है भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कि वो एसेंशियल सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को बेसिक ऑपरेशन करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सेकेंडरी सॉफ्टवेयर है भाई, है ना। और एप्लीकेशन का अर्थ होता है किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है ना। जैसे कि हमें लेटर बनाना है, एमएस वर्ड का होना जरूरी है। अगर मुझे अट्रैक्टिव फोटो की एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप का होना जरूरी है। मुझे कुछ बैनर पोस्टर बनाना है, कोरल चाहिए मुझे। अगर मुझे अकाउंटिंग का काम करना है तो टैली। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम अथवा हमारे हार्डवेयर के बेसिक ऑपरेशन को, मूलभूत कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल या स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए जरूरी होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है एमएस वर्ड, फोटोशॉप, कोरल टैली एक्सेट्रा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा देख लेते हैं भाई, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच स्टेब्लिशेज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो देखो होता क्या है, ये कोई बैठी है, ये यूजर कहलाएगा, ये हार्डवेयर है भाई, है ना, कीबोर्ड ये सब। अब इसमें क्या होता है कि आपको भाई काम करना है ना, आपको काम करना है, तो यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट आना चाहिए, माई फोल्डर मतलब माई कंप्यूटर को सेलेक्ट करने के, फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए स्टार्ट मेनू होना चाहिए, है ना। अब मान लो आपको क्या बोलते हैं, प्रिंट देना है, यहाँ पर सपोज एक प्रिंटर होता, तो आप क्या करते, कीबोर्ड से कंट्रोल पी दबाते और वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को सुनता और सुनने के बाद में वो प्रिंटर को आदेश देता कि भाई इस पर्टिकुलर पेज को आप प्रिंट निकालो। तो देख लो, एक होता प्रिंटर, और प्रिंटर और यूजर के बीच जो संबंध बनाने वाला कौन होता, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, आपके सामने किसी पेज को ला करके प्रस्तुत किया, आपने कंट्रोल पी दबाया तो उस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा। जैसे कि हमारे सिस्टम में विंडोज 7 डला होता है, विंडोज 10 डला होता है, विंडोज 8 डला होता है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो आपके कमांड को लेता और उस कमांड वो हार्ड वो प्रिंटर को आदेश देता, प्रिंटर इस पेज को लो और इसका प्रिंट आउट ले लो, दे दो। आई बात समझ में? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में संबंध बनाता है, इंटरफेस बनाता है। आप देख सकते हो, यूजर मतलब आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बात करता है, कम्युनिकेट करता है मतलब एमएस वर्ड से, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को आदेश देता है ना।
मतलब एमएस वर्ड बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेरे इस पेज का प्रिंट आउट निकाल दो, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर मतलब प्रिंटर को आदेश देगा कि भाई आप प्रिंट आउट निकाल दो। तो देख लो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच का चीज है, किसके किसके बीच में, एक तो यूजर मतलब आपके और हार्डवेयर के बीच में। तो ये एक इंटरफेस बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किसके बीच में, हार्डवेयर और यूजर के बीच में। तो आज हमने देखा भाई विंडो के बारे में, विंडो क्या होता है, कुछ भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, और मैंने बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे और मैं अगले वीडियो को बहुत जल्द सेंड